Hello my dear students, welcome to my channel Query Server. I'm your educator Surin Singh and today I'm going to choose synonyms and antonyms. Students, ये जो class होने वाली है ये class होगी आपकी synonyms और आपके antonym की. First जब हम synonym की बात करें, synonyms होता क्या students? Synonyms होता है जब हम कोई भी meaning लेते हैं तो उसके same जैसा sense रखने वाली जो meaning होती है जिनको हम पर्यायवाची बोलें या जिनको समानार्थी बोलते हैं जिनका same अर्थ होता है उनको हम आपका सैनम्स बोलते हैं. ठीक है, और ये आपकी वोकैब के लिए स्टूडेंट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट आपका ये वोकैब में सेशन होता है. ये आपका मतलब काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस होता है सैनम्स एंटोनियम का वोकैब में. तो प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे. तो स्टूडेंट यहाँ मैंने आपको वर्ड लिखा है, इसका मीनिंग भी लिखा है मैंने हिंदी में साथ साथ, और मैंने इसके इसके सामने इसके सैनम्स लिखे हैं यानी इसके जो सेम मीनिंग जो रखते हैं सेंस में उनको मैंने इनके सामने रखा है. फर्स्ट मीनिंग है आपका स्टूडेंट आपका एवेडेंट. इस ये जो होता है स्टूडेंट ये आपकी वर्ब होती है और इसमें से होता है आपका त्यागना, किसी चीज़ को गिव अप कर देना, उसको छोड़ देना. ठीक है, इसके अगर हम आपकी सैनम्स की बात करें तो सैनम्स होते हैं स्टूडेंट्स का गिव अप. गिव अप मीन्स क्या होता है आपका छोड़ना. लीव मीन्स भी क्या होता है इसको छोड़ देना. लेफ्ट से आपका लीव बना और फोर से बोल देना फॉर गॉड से मतलब भगवान के लिए प्लीज़ मुझे छोड़ दो या मतलब मेरा पीछे मत दो. तो उसको यहाँ जो सेंस है फोर से ये इनका जो क्या है स्टूडेंट सेम सेंस आ रहा है इसका एबंडन का यानी गिव अप लीव और आपका फोर से. ठीक है, नेक्स्ट है आपका एबडिकेट. एबडिकेट ये भी आपका स्टूडेंट वर्ब होती है और इसका मीन्स भी होता है आपका पद त्यागना. इसका तो क्या किसी चीज़ को छोड़ने से होता था और यहाँ यूज़ किया जाएगा या आपका किसी भी आप किसी भी पद पे काम करो उसको छोड़ देना. ठीक है, तो इसके जो सैनम्स होते हैं उनमें आपका एक क्विट. क्विट मीन्स क्या होता है शांत होना है, किसी को छोड़ देना. ठीक है, एबंडन ये वही आपका वही एबंडन जो आपका फर्स्ट जो हमने आपका त्यागना वर्ब कराई थी इसमें तो उसी में से आपका ये लिया गया है एबंडन. ठीक है, सरेंडर आप जानते होंगे क्या होता है. ये जो सरेंडर मीन्स होता है अपने आप को पुलिस के हवाले जो कर देते हैं अगर कोई भी क्रिमिनल है तो अपने आप को क्या करता है पुलिस के हवाले करता है तो उसको हम सरेंडर बोलते हैं स्टूडेंट. तो ये आपके एप्टिकेट मीन्स अपना प्यार त्यागना तो उससे आपके सेम सेंस रखता है. क्विट मीन्स भी छोड़ना होता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका एबिलिटी. एबिलिटी की अगर बात करें तो एबिलिटी मीन्स होता है स्टूडेंट किसी की हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं और ये आपका क्या होता है नाउन होता है हिंदी में बोलते हैं जिसको हम आपका योग्यता. ठीक है, अगर हम इसके सैनम्स की बात करें तो इसकी मीनिंग होते हैं इसके आपके कंपटेंस और कैपेबिलिटी मीन्स क्या होता है क्षमता होती है. तो किसी में क्षमता है तो वो योग्यता है ना किसी काम करने के लिए. मान लीजिए कोई पढ़ रहा है तो उसके पढ़ने की वो कैपेबिलिटी है उसकी क्षमता है वो आपकी. ठीक है, जैसे मैंने आपको टैलेंट है अगर मैं मान लीजिए वो स्टूडेंट अगर वो टॉपर है तो उसने क्या मेहनत की है उसके अंदर क्या थी कैपेबिलिटी एबिलिटी थी उसके अंदर. ठीक है, उसके अंदर प्रोफिशिएंसी थी यानी वो काम करने की उसके अंदर क्या थी स्टूडेंट क्षमता थी. ठीक है, नेक्स्ट आपका एबनॉर्मल. एबनॉर्मल में जैसे होता है स्टूडेंट आपका असाधारण. ठीक है, यानी अगर हम बात करें आपका यूनिक तो अलग होता है. यूनिक क्या होता है सबसे अलग होता है लेकिन हम एबनॉर्मल की बात कर रहे हैं यानी कोई असाधारण चीज़ की बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं हम आपका फेकुलर और आपका डिफरेंट. डिफरेंट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट अलग होता है. ऐसे आपका एबनॉर्मल क्या है वो सबसे अलग दिखता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका एबसेंस. एबसेंस ये आपका स्टूडेंट नाउन होता है इस मीन्स होता है अब्सेंट. जैसे बोल देते ना अब्सेंट और जो प्रेजेंट मीन्स होता है होना. ठीक है, तो एबसेंस अब्सेंट से ही आपका लिया गया यहाँ पर एबसेंस और ये आपका इसका नाउन बना दिया गया इस मीन्स होता है स्टूडेंट अनुपस्थित. ठीक है, डेथ. डेथ अब मान लो इसमें से अगर मैं याद करने की बोलूँगा डेथ इंसान अगर मर जाता है तो डेथ होने के अनुपस्थित हो जाता है. तो अगर आपको याद करना है कैसे भी हमको याद करना होता है सिर्फ हमको स्टूडेंट मीनिंग को समझना होता है. कई ऐसे मीनिंग आएंगे आपके सामने कि आपको लगेगा कि ये तो भाई हमने पहले पढ़ चुके हैं. तो सबसे बड़ी बात होती है कि मीनिंग जो हम कर रहे हैं उसको समझो उसका सेंस क्या निकल रहा है तो आप आसानी से किसी चीज़ को याद कर सकते हो. ठीक है, अगर डेथ है तो डेथ से बना आपका डेथ आपको बहुत आसानी से याद होगा. ठीक है, डेफिशिएंसी और आपका स्कार्ली ये बना है स्टूडेंट आपका स्कार्ली हार्डली और स्नो सूनर वगैरह जो होते हैं आपके वहीं से स्कार्ली से आप याद कर सकते हो उसको. भाई स्कार्ली में क्या होता है ना केवल आप नेगेटिव सेंस में तो ये भी आपका स्कार्डी मतलब अनुपस्थित है कोई. ठीक है, नेक्स्ट आपका एब्सोल्यूट मीन्स होता है शुद्ध या पूर्ण. ये भी आपका स्टूडेंट क्या है एडजेक्टिव होता है और इस मीन्स होता है कंप्लीट एक्सेट और आपका जेन्युइन.
ठीक है। कंप्लीट मीन्स कोई चीज़ है या कोई वस्तु है, क्या स्टूडेंट को अपने आप में कंप्लीट है, तो मतलब क्या है वो पूर्ण है, वो शुद्ध है एकदम, ठीक है। एग्जैक्ट मीन्स भी यही सेम सेंस निकलता है स्टूडेंट। जेन्युइन मीन्स भी क्या होता है, यही आपका सेम सेंस होता है। नेक्स्ट आपका एब्सटेंस मीन्स होता है बचना, ठीक है, या आपका अलग रहना, ये आपकी स्टूडेंट आपकी वर्ब होती है। अगर हमें किसी तो उसको क्या बोलते हैं, अवॉइड, मतलब किसी को अवॉइड करते हैं, मतलब उससे क्या है कोई बातचीत नहीं करते हैं, उसको देखते नहीं, तो उसको अवॉइड करना हो देते हैं, मतलब उससे क्या है हमें उससे बच रहे हैं किसी से भी बात करने से, तो उसको अवॉइड बोलते हैं ना। तो ये तो मीनिंग आपने कई बार देखा होगा, तो बड़ी आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। एब्सटेंस मीन्स क्या है, अवॉइड, और आपका डेकलाइन और आपका रिफ्रेन। अगर कोई मीनिंग अगर आप नहीं आते स्टूडेंट, कोई भी आप डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आप वहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका एविडेंट, ये आपका स्टूडेंट एडजेक्टिव होता है, इस मीन्स होता है एनफ, प्रचुर, प्रचुर बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज़ें क्या है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको हम आपका फुल बोल सकते हैं, उसको वॉन्टी फुल बोल सकते हैं, और आपका उसको प्लेंटी फुल बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका एक्सलेट, एक्सलेट मतलब जो बाइक होती है तो उसमें क्या होता है, एक्सलेटर होता है, मतलब बोलते हैं ना भाई तुमको जल्दी करना है तो स्पीड दे दे, एक्सलेटर दबा दे, ठीक है। तो वहीं से आप जैसे याद कर सकते हो, एक्सलेट मीन्स वर्ब होता है, और जब आप रेस देते हैं बाइक या गाड़ी में तो उससे क्या होता है, जल्दी पहुंच जाते हैं कहीं भी, ठीक है। तो बोलते हैं ना एडवांस, तो एडवांस क्या होता है, किसी भी काम करने से पहले हम पैसा लेते हैं, तो क्या मतलब है? हमें भाई वो काम करना है इसलिए हमें उसे जल्दी है, इसलिए हम तुमको एडवांस दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस मीनिंग को याद कर सकते हो। एक्सलेट का सेम सेंस होता है आपका एडवांस से, एक्सपायर्ड और हैस्टन, और आपका हरी अप, बोलते हैं ना हरी अप, जल्दी करो भाई, तो वहीं से आप इसे याद कर सकते हो। हरी अप में से आपका हरी मीन्स क्या होता है, जल्दी करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका एसेंट मीन्स होता है दबाव, ये आपकी नाउन फॉर्म होती है, इसका मीन्स होता है किसी को स्टूडेंट आपका प्रेशर डाल दें, ठीक है। एम्फेसाइज मीन्स क्या होता है, ठीक है, किसी चीज़ को क्या हो दबाव सूचक, मतलब दबा के, मतलब किसी चीज़ पे क्या अधिकार दिखाना, ठीक है, तो भाई ये इस तरीके से तो उस पर क्या है आप प्रभाव डाल रहे हो, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेस कब आता है स्टूडेंट, अगर कोई काम कर रहा होता है उस पर कोई ज़्यादा दबाव होता है तभी तो उसी में स्ट्रेस आता है, तो स्ट्रेस और आपका पिच और आपका टोन, ये इनके सेम सेंस होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका असेप्ट, असेप्टिंग होता है स्टूडेंट, ये वर्ब फॉर्म होता है, असेप्टिंग मीन्स क्या होता है, विश्वास कर लेना या किसी चीज़ को उसको स्वीकार कर लेना, ठीक है। एक्वायर, जैन, जैन मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना, किसी पे विश्वास करें तभी तो किसी से भाई पैसा वगैरह मिलेगा, कुछ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्टेन मीन्स भी यही होता है स्टूडेंट, प्राप्त करना, ठीक है। नॉलेज मीन्स जानना, एक्नोलॉज मीन्स भी स्वीकार करना होता है। बिलीव, बिलीव कब करते हैं भाई, विश्वास हम जब भी तो कर सकते हैं किसी को, हम जानते हो पहचानते हो, ठीक है, तो उसको बिलीव भी बोल सकते हैं। और रिकॉग्नाइज मतलब किसी को पहचानना, तो ये एक्सेप्ट के स्टूडेंट क्या है उसके, ये सैन्योम्स हैं इस तरीके से। और लास्ट सैन्योम्स आपका स्टूडेंट एक्सेस, एक्सेस मीन्स हम बोलते हैं ना कि प्राप्त कर लेना, तो ये नाउन फॉर्म होता है, इस मीन्स होता है स्टूडेंट अप्रोच कर लेना किसी चीज़ को, मतलब समीप पहुँचाना, ठीक है, तो उसको समीप पहुँचना होता है आपका एक्सेस। और इसके मीनिंग्स हैं, इसके सैन्योम्स हैं स्टूडेंट इंट्रेंस, इंट्रेंस मतलब कहीं हम इंटर करते हैं तभी तो पहुंच जाते हैं, तो एंट्रेंस है आपका अप्रोच है, और हम एडमिशन लेते हैं या एडमिटेड होते हैं, तो वहाँ इस तरीके से। ये स्टूडेंट आपके कुछ सैनम्स थे। नेक्स्ट आपके एंटोनियम, नेक्स्ट स्टूडेंट आपका एंटोनियम, एंटोनियम मीन्स होता है अपोजिट, मतलब अगर हम कोई भी मीनिंग ले रहे हैं तो उसका जो विपरीत होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका एंटोनियम, उसके विपरीत जो मीनिंग होती है उसी को। तो ये आपकी मीनिंग है, वर्ड है, यहाँ उनका मैंने मीनिंग लिखा है हिंदू, मतलब हिंदी में उनका सेंस, मतलब जो उच्चारण होता है उसको, ठीक है, और यहाँ उसका अपोजिट वर्ड से, यानी उसका ये स्टूडेंट आपका एंटोनियम है, ये आपका वर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड आपका स्टूडेंट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में ये वर्ब फॉर्म होता है, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का होता है स्टूडेंट आपका रिजेक्ट। एक्नोलॉज नॉलेज मतलब ये अभी मैंने आपको कराया था, अभी वर्ड आपका अप्रोच में कराया था, एक्सेस कराया था इसका, एक्सेप्ट कराया था, एडमिशन कराया था, एडमिटेड कराया था, अभी मैंने आपके इसका उसका एंटोनियम, सॉरी उसका सेनम्स कराया था एक्सिस का स्टूडेंट। तो यहाँ इस तरह डैनी, डैनी मीन्स क्या होता है, मना कर देना, ठीक है। एब्सोल्यूट ये भी कराया मैंने इसका, पूर्ण होता है, और लिमिटेड, लिमिटेड कोई होता है तो उसको, लिमिटेड मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ लिमिट में है, ठीक है। एडमायर होता है किसी की प्रशंसा करना, और डिस्पाइस मीन्स होता है किसी की, मतलब किसी की बुराई करना। लाइव मीन्स होता है स्टूडेंट, ये एडजेक्टिव है, और इस मीन्स होता है जीवित, और इसका होगा डेड, डाइड मतलब डेड मतलब जो मृत है, ठीक है। एंटीसेंट होता है स्टूडेंट आपका प्राचीन, तो मॉडर्न क्या होता है, नया। एब्सेंस होता है अनुपस्थित, तो प्रेजेंस या प्रेजेंस उसको बोल सकते हो, इस मीन्स होता है उपस्थित होना। एब्लोशन मीन्स होता है अनुमल करना,
उन्मूलन मतलब किसी चीज़ को क्या स्टूडेंट उसको बिगाड़ना या उसको डिस्ट्रॉय करना, कन्फर्म मीन्स होता है इसमें बनाना, ठीक है। एबनॉर्मल ये भी अभी मैंने आपका कराया था, एबनॉर्मल मीन्स क्या होता है असाधारण, कोई भी चीज़ मतलब मिलती जुलती नहीं है, तो नॉर्मल होता है स्टूडेंट इसका। एक्टिव मीन्स होता है स्टूडेंट सक्रिय और इसका हो जाएगा इनएक्टिव। एडवांटेज मीन्स होता है लाभ या सुविधा मिलना होता है, तो उसका अपोजिट हो जाता है स्टूडेंट आपका डिसएडवांटेज। एबंडन ये भी मैंने आपको कराया था, छोड़ देना, तो रिटेन मीन्स क्या होता है प्राप्त कर लेना। वैकवर्ड मीन्स होता है स्टूडेंट विचित्र, उसको बोलते हैं ग्रेसफुल, ठीक है, जो विचित्रफुल नहीं होता है उसको। एलियन मीन्स होता है स्टूडेंट कोई भी जो विदेशी होता है मतलब किसी दूसरे प्लेनेट का जो प्राणी होता है जीव होता है उसको हम एलियन बोलते हैं। तो नेटिव नेशन से बना आपका नेटिव यानी जो अपने देश का है। एलरेक्ट मीन्स होता है स्टूडेंट आकर्षित करना, रिपील होता है किसी को प्रतिकर्षित करना। अटैक मीन्स होता है स्टूडेंट आपका किसी पर क्या होता है, अटैक मीन्स हम किसी पर क्या करते हैं स्टूडेंट आक्रमण कर देते हैं। और डिफेंड मीन्स होता है उसको हरा देना, ठीक है। एडवर्सिटी मीन्स होता है स्टूडेंट कोई भी विपत्ति होती है यानी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको हम एडवर्सिटी बोलते हैं। इसके अपोजिट होता है स्टूडेंट प्रॉपर्टी मीन्स उन्नति या धन संपत्ति, उसके सेंस में यूज किया था आपका प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। एफ्रेंड मीन्स होता है स्टूडेंट किसी चीज़ को स्वीकार करना, और अगर किसी चीज़ को हमें स्वीकार नहीं है तो उसको क्या करते हैं स्टूडेंट उसको मना कर देंगे, उसको हम डैनी कर देंगे, ठीक है। एग्री मीन्स तो आप सब जानते होंगे, एग्री मीन्स क्या होता है किसी चीज़ पे स्टूडेंट सहमत होना, तो डिसएग्री भी बोल सकते हो या आप उसको डिफर भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका एग्रीवल मतलब किसी चीज़ को हम मान्य कर देते हैं, ठीक है, तो उसका डिसएग्रीवल हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका अलाउ, अलाउ मीन्स क्या होता है स्टूडेंट किसी चीज़ की अनुमति देना, तो डिसअलाउ हो जाएगा इसका अपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट आपका ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट हमेशा जो चला आ रहा है मतलब रोजाना जो करते हैं वो ऑलवेज होता है। नेवर मीन्स क्या होता है कभी नहीं। अटैच मीन्स होता है स्टूडेंट जोड़ना, तो डिसटैच मीन्स होता है अलग कर देना। और ये आपका एसोसिएट मीन्स होता है मिलना, डिसोसिएट हो जाएगा स्टूडेंट आपका बिछोड़ना। एसेंट मीन्स होता है स्टूडेंट ऊपर चढ़ना, डिसेंट मीन्स हो जाएगा जैसे बोलते हैं ना असेंडिंग क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में मतलब चढ़ते क्रम में लगाओ तो उसे असेंडिंग बोल देते हैं, ठीक है। और डिसेंडिंग मीन्स होता है उतरते क्रम में यानी पहले पहले बड़ा नंबर उसके बाद छोटा, इस तरीके से डिसेंडिंग बोलते हैं, तो वहीं से लिया गया आपका। एसेंट मीन्स ऊपर जाना और डिसेंट मीन्स होता है स्टूडेंट नीचे। तो स्टूडेंट आज की क्लास थी यहीं पर, और ये स्टूडेंट मैंने आपकी एंटोनियम सिनोनिम की फर्स्ट वीडियो बनाई है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आएगी और आप अच्छा रेस्पॉन्स देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।